यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि बीजगणित का जोड़ किस तरह से बनाया जाता है, और वो भी बिल्कुल शुरुआत से। देखिए, इससे पहले आपको बीजगणित का जोड़ बनाना बिल्कुल भी नहीं आता होगा, फिर भी कोई बात नहीं, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक और ध्यान से जरूर देखिएगा। यह वीडियो जैसे ही खत्म होगा, आप बीजगणित का जोड़ बनाना बिल्कुल अच्छे से सीख जाएंगे, और किसी भी तरह का यदि बीजगणित का जोड़ रहेगा तो आप उसे बहुत ही आसानी से बना देंगे। तो चलिए अब इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। बीजगणित के जोड़ को बनाने से पहले हम इसके नियम को समझ लेते हैं, और इसका नियम समझना यह समझ लीजिए कि आसान से भी आसान है। देखिए, इसमें किया क्या जाता है, इसमें मुख्य रूप से जो ABCD का अक्षर होता है ना, उस पर ध्यान दिया जाता है। कहने का मतलब कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे कि है X, ठीक, तब यह जो X है ना, इसके साथ वही जुड़ेगा जिसमें X लगा हुआ रहेगा। तो इस तरह से देखिए, इसके साथ कौन कौन सी संख्या जुड़ सकती हैं, तो इसके साथ या तो X जुड़ सकता है, या फिर इस तरह से 2X जुड़ सकता है, या 3X जुड़ सकता है। कहने का मतलब कि देखिए, यहाँ पर संख्या के जगह पर कुछ भी हो सकता है संख्या, ठीक, लेकिन इसके अंत में यहाँ पर X होना चाहिए, ठीक, और केवल X होना चाहिए। इसके साथ मान लीजिए Y नहीं होना चाहिए, ना ही इसके पावर होना चाहिए। अब इसको हम जोड़ेंगे कैसे, तो इसको समझिए। देखिए X प्लस X को जोड़ना होगा ना, तो यहाँ पर देखिए कितना X है, तो आप कहेंगे दो X है ना, तो इस तरह से हम लिखेंगे 2 और X, ठीक, तो इसका जोड़ हो गया। इस तरह से होता है इसका जोड़। उसी तरह से मान लीजिए इस तरह से रहेगा, एगो इस तरह से रहेगा, 2X रहेगा प्लस रहेगा 3X, तो इसको हम कैसे जोड़ेंगे, तो देखिए यहाँ पर है 2X और यहाँ पर है 3X, तो 2 और 3 मिलकर कितना होता है, तो 2 और 3 मिलकर होता है 5, तो यह हो जाएगा इस तरह से 5X, ठीक, तो इस तरह से इसका जोड़ किया जाता है। इसमें ध्यान देने वाली कौन सी बात है, तो देखिए इसमें मुख्य रूप से यह ध्यान दिया जाता है, देखिए अंक अलग अलग हो या एक ही हो कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए इसमें अंक से हमें कोई मतलब नहीं होता है कि अंक क्या है, लेकिन इसमें मुख्य रूप से जो ध्यान देने वाला बात होता है ना, वह यह होता है कि यदि यहाँ पर X है तो यहाँ पर भी X होना चाहिए, तभी जुड़ेगा। यदि मान लीजिए इस तरह से रहेगा, एगो X रहेगा और एगो रहेगा Y, यदि इसको जोड़ना होगा तो जानते हैं यह क्या आएगा, यह इतना ही आ जाएगा X प्लस Y, क्योंकि यह दोनों अलग अलग हैं, और अलग अलग हैं तो इसलिए यह दोनों आपस में नहीं जुड़ सकता है, तो इसलिए इसका मान इतना ही आएगा। उसी तरह से मान लीजिए यदि आपसे कहा जाए कि X प्लस X के पावर 2 को जोड़िए, तो यह क्या होगा, तो यह देखिए यह भी दोनों अलग अलग हैं। कहने का मतलब कि यहाँ पर तो X नहीं है ना, X के पावर 2 है ना, तो यह भी नहीं जुड़ेगा, तो इसका भी आंसर इतना का इतना ही हो जाएगा। तो इसमें कौन सी संख्या जुड़ेगा, इसमें वही जुड़ेगा जो दोनों देखने में बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। अब आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे कि X के साथ वही संख्या जुड़ेगा जिसमें X लगा हुआ होना चाहिए, ठीक, संख्या क्या है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसमें X लगा होना चाहिए तभी वह X के साथ जुड़ पाएगा। इसी तरह से मान लीजिए दूसरा, इस तरह से समझिए, और इस तरह से रहेगा XY रहेगा, इसके साथ क्या जुड़ेगा, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, यहाँ पर बताना है। यहाँ पर है 3XY, उसके बाद अगला अंक है 4X2Y, उसके बाद है फिर मान लीजिए 2 है, XY2 हैं, तो इसमें से कौन सा संख्या इसके साथ जुड़ेगा, तो जानते हैं इसमें से कौन सा संख्या इसके साथ जुड़ेगा, तो देखिए इसके साथ वही जुड़ेगा जो बिल्कुल इसके जैसा रहेगा। इसके जैसा कौन सा है, इसमें यह है ना, तो इसके साथ यह वाला जुड़ेगा, तो यह इस तरह से हो सकता है XY+3XY, इसको हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो यह देखिए यहाँ पर है 3XY और यहाँ पर है क्या, यहाँ पर है XY केवल, यह दोनों एक एक गो है ना, इसलिए यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 4XY, इस तरह से हो जाएगा। अगला उदाहरण समझिए, मान लीजिए इस तरह से रहेगा 10XY, फिर नीचे में रहेगा 5XY, इसको हम कैसे जोड़ेंगे, तो देखिए इसमें केवल हमें अंक को जोड़ देना है, और यह जो है ना, इसको इसी तरह से लिख देना है, तो 10 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यह आएगा 15 और XY हो जाएगा, ठीक,
इसमें हमें केवल अंक को जोड़ना होता है, ठीक। और यह जो ABCD का अक्षर होता है ना, इसको ज्यों का त्यों लिख देना होता है। अब यहाँ पर समझिए, मान लीजिए इस तरह से दिया रहेगा आपको, x के पावर 2 और y के पावर मान लीजिए 4 रहेगा, और आपसे पूछा जाएगा कि इसके साथ कौन सा जुड़ेगा। तो इसके साथ कौन सा जुड़ेगा आप बताइएगा, x के पावर 3, y के पावर 5, x के पावर 2 और y के पावर 4, इसमें से कौन सा जुड़ेगा इसके साथ। तो इसमें से यह वाला जुड़ेगा, क्योंकि इसके साथ वही जुड़ सकता है। कहने का मतलब कि बीजगणित के जोड़ में वही संख्या आपस में जुड़ता है जो देखने में बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। और हमें किसको देखना है, हमें ABCD के अक्षर को देखना है, हमें अंक से कोई मतलब नहीं है। तो देखिए ABCD के अक्षर को यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो यह है x के पावर 2 और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है y के पावर 4। इसके जैसा बिल्कुल कौन सा है, तो यह है। तो इसके साथ यह जुड़ जाएगा, और यह जुड़ेगा तो क्या बनेगा, तीन दोनों को यदि हम आपस में जुड़ेंगे तो यह क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, x के पावर 2, y के पावर 4। तो आप बताइए कि इसके आगे क्या अंक है। तो आप कहेंगे इसके आगे कुछ अंक नहीं है, तो यह हम मान लेते हैं कि इसके आगे एक है, और इसके आगे भी एक है। तो यहाँ पर है एक x के पावर 2, y के पावर 4 प्लस एक x के पावर 2, y के पावर 4। तीन दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 2 x के पावर 2, y के पावर 4। इस तरह से इसके जोड़ को बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है। अब अगला उदाहरण समझिए। तो यहाँ पर मान लीजिए इस तरह से रहेगा, 3x के पावर 2, y के पावर 4 रहेगा प्लस रहेगा 7 x के पावर 2, y के पावर 4। इसको हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा। तो देखिए, इसमें हमें सबसे पहले यह देखना है कि ABCD के अक्षर वाला जो अंक है वह देखने में बिल्कुल एक जैसा है या नहीं। यह वाला और यह वाला दोनों देखने में बिल्कुल एक जैसा है, तो ठीक है। अब हमें केवल जो यह बाहर वाला अंक है ना, इसी को केवल जोड़ना है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, 7 में हम 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 10। और यह जो ABCD के अक्षर वाला अंक है ना, इसको हम ज्यों का त्यों लिख देंगे, इसमें हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, यह जैसा है वैसा ही लिख देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा x के पावर 2 और y के पावर 4। आप कहेंगे कि यह दो बार है तो हम एक ही बार क्यों लिख रहे हैं, तो इसको एक ही बार लिखा जाता है, ठीक। इसको दो बार नहीं लिखा जाता है, तो इसको एक बार हम यह जैसा है वैसा है इसको यहाँ पर लिख देंगे, और यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से हम बीजगणित का कोई भी जोड़ बना सकते हैं। अब यहाँ पर जरा ध्यान से समझिएगा, देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ वाला और यहाँ वाला दोनों बिल्कुल एक जैसा संख्या है, और इसलिए इसे हमने बहुत ही आसानी से यहाँ पर जोड़ दिया है। लेकिन आपको प्रश्न हमेशा इसी तरह से नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पर यह जो प्रश्न है ना, यह प्रश्न यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और इसको भी हमें जोड़ना ही है। और इसमें आप देखेंगे कि सभी तरह का अंक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 2x, यहाँ पर है 4x के पावर 2, फिर 3x है, फिर यहाँ पर है 6x के पावर 2, यहाँ पर है 5xyz, उसके बाद है xyz। तो इस तरह का प्रश्न रहेगा तो फिर हम कैसे जोड़ेंगे। कहने का मतलब कि इसमें सभी तरह से मिला हुआ है, ठीक। तो देखिए इस तरह का जब प्रश्न रहेगा तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, जो देखने में एक जैसा है ना, उसको सबसे पहले एक जगह पर करना होगा। तो देखिए इसमें एक जैसा कौन कौन सा है, यहाँ पर है 2x, तो सबसे पहले मैं 2x लिख देता हूँ। इसके बाद देखिए बीजगणित के जोड़ बनाने के लिए मैंने आपको नियम बताया है कि हमें केवल ABCD के अक्षर को ध्यान से देखना है, और उसके साथ यहाँ पर मान लीजिए x है ना, तो इसके साथ वही जुड़ सकता है जिसमें केवल x होगा। तब हमें इसमें से वह संख्या खोजना है जिसमें केवल x होगा। तो यहाँ पर एगो केवल है 3x, ठीक, इसी में केवल x है, ठीक। तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे 3x, इन दोनों को हम साथ में कर देते हैं, उसके बाद प्लस। अब अगला संख्या कौन सा है, तो यह है 4x के पावर 2। अब हमें यह खोजना है कि इसमें किसमें x के पावर 2 है। देखिए अंक से हमें कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर है x के पावर 2, तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे तो प्लस 6x के पावर 2। अब किसी में तो नहीं है ना, तो नहीं है, तो इसको भी हम कोष्ट में कर देंगे, उसके बाद प्लस। अब इसके बाद क्या है, देखिए x वाला का तो काम हो गया है, x के पावर 2 वाला का भी काम हो गया है,
अब बचा है यह वाला, तो यह क्या है, यह है 5xyz, और इसके जैसा xyz कहाँ पर है, तो यहाँ पर है, तो इसको भी हम साथ में लिख देते हैं xyz। अब देखिए जो जो देखने में बिल्कुल एक जैसा है उन सभी को मैंने एक साथ कर दिया है। अब करना क्या है, तो इसको जोड़ देना है। इसमें हमें केवल अंक को जोड़ देना है और यह जो ABCD का अक्षर है इसको ज्यों का त्यों लिख देना है। तो यहाँ पर देखिए 2 और 3 जोड़ेंगे तो आएगा 5 और यह हो जाएगा x, ठीक, इसका काम हो गया। उसके बाद प्लस, यहाँ पर देखिए यहाँ पर है 4x2 और यहाँ पर है 6x2, तो यहाँ पर भी केवल अंक को ही जोड़ना है, तो 4 और 6 मिलकर हो जाएगा 10 और यह हो जाएगा x2, ठीक, इन दोनों के बदले में कोनो एक ही को लिखना है। उसके बाद प्लस, अब इसमें भी हमें जोड़ देना है, तो देखिए इसके आगे कोई अंक नहीं है तो हम मान लेंगे कि 1 है, ठीक, तो 5 और 1 मिलकर हो जाएगा क्या, तो यह हो जाएगा 6xyz और यही हो गया इसका राइट आंसर। तो बीजगणित के जोड़ को इस तरह से बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर बीजगणित के जोड़ पर 4 गो प्रश्न हैं, जिनमें से 2 प्रश्न मैं बनाऊंगा और 2 प्रश्न आप लोगों को बनाना है और बनाकर देखना है कि क्या आप लोगों को बीजगणित का जोड़ बनाना आ रहा है या नहीं। तो देखिए नीचे वाला यह जो 2 प्रश्न है ना, इसको मैं बना देता हूँ और जो ऊपर वाला 2 प्रश्न है यह आप लोग बनाइएगा। तो देखिए इस प्रश्न में हम देखते हैं कि इसमें पहले से ही सरियाकर इस तरह से लिख दिया गया है, कहने का मतलब कि इसमें जो ABCD का अक्षर है ना उसके नीचे ठीक उसी तरह से अक्षर लिखा गया है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, केवल अंक को जोड़ देना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर है z2 और यहाँ पर भी है z2, तो यहाँ पर देखिए अंक को केवल जोड़ना है, तो इसके आगे अंक क्या है आप कहेंगे कुछ वो नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि 1 है और इसके आगे भी हम मान लेते हैं कि 1 है, तो 1 और 1 मिलकर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 2। अब इनमें से कोनो एगो को लिख देना है, तो यह हो जाएगा z2, तो इसको हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 2z2 इस तरह से, फिर प्लस है तो प्लस। और हाँ देखिए इसको आप इधर से भी जोड़ सकते हैं और इधर से भी जोड़ सकते हैं, किधर से भी जोड़ सकते हैं, ठीक, आंसर उतना ही आएगा। अब हम इसको जोड़ते हैं, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 3y2 और नीचे में है 4y2। देखिए इसमें ABCD का जो अक्षर है इसको तो हमें मिलाना ही नहीं है क्योंकि यह दोनों एक ही है, ठीक, अब केवल अंक को जोड़ देना है, तो 3 और 4 मिलकर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 7 और यह हो जाएगा y2, फिर प्लस है तो प्लस। ठीक उसी तरह से यह क्या हो जाएगा, 7 × 5 = 12 और x2 = 2 और यही हो गया इसका राइट आंसर। अब यह वाला प्रश्न समझिए, यह भी बहुत ही आसान है, इसमें भी क्या करना है, हमें केवल अंक को जोड़ देना है, इसके आगे अंक क्या है आप कहेंगे कुछ वो नहीं है, कुछ वो नहीं है तो हम 1 मान लेंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हो गया 1x8 और y9 और इसमें हमें क्या जोड़ना है, तो इसमें हमें जोड़ना है 5x8 और y9। तो देखिए यह जो इतना बड़ा बड़ा सा संख्या लिखा गया है इससे घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि जोड़ में इन सभी से हमें कोई लेना देना ही नहीं है, यह केवल दिखावा के लिए है, ठीक, इसमें केवल हमें यह देखना है कि यह दोनों देखने में बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए, तो यह दोनों देखने में बिल्कुल एक जैसा है, ठीक है, अब हमें केवल अंक को जोड़ देना है, तो यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है 5, तो 5 और 1 मिलकर हो जाएगा 6 और यह हो जाएगा x2 और y9, उसके बाद प्लस है तो प्लस। ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी काम करना है, यह दोनों तो बिल्कुल एक जैसा है ये हैं, केवल हमें अंक को जोड़ देना है, तो 3 और 2 मिलकर हो जाएगा 5y4 और z2 हो जाएगा 6, उसके बाद प्लस है तो प्लस। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4 और 5 मिलकर हो जाएगा 9x3 और y2, तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से कोई भी बीजगणित का जोड़ बना सकते हैं।